ये क्या है? मसाला बिरयानी? चिकन मसाला बिरयानी का। अच्छा, क्या बात है यार, क्या बिरयानी की खुशबू उठ रही है। और अभी ये इसके राइस है, ये बिरयानी की ट्रेस यहाँ पे। ओए होए होए, ये तो सिंधी बिरयानी लग रही है। ओए होए होए होए, पूरी मेयोनीज लगी हुई है और उसके अलावा एक पूरा जिंगर पैटी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? कहाँ से हो आप? अफगानिस्तान से। क्या फ्रूट खाना है? अच्छा, फ्रूट पसंद है आपको? आप देखा हुआ मुझे? अच्छा, देखते हो वीडियो? अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, शपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रचस एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम लोग आए हैं जी एक बड़ा मेगा किचन टूर करने के लिए। मेरे साथ जवाद है और बिलाल भाई हैं। क्या हाल चाल है जी? ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो हम लोग पहुँचे हैं शौकत खानम और शौकत खानम का आज किचन टूर करेंगे कि किस तरह से इतना बड़ा, मतलब मैंने सुना है यहाँ पे 4,000-5,000 पेशेंट्स के लिए डेली खाना बनता है, तो वो मैं किचन असल में देखना चाह रहा हूँ कि उस किचन में 4,000-5,000 लोगों के लिए खाना बनता कैसे। उसमें मैं आज आपको पूरा इसका प्रोसेस दिखाऊंगा कि किचन के अंदर क्या खाने बन रहे हैं, किस तरह से वो सर्व हो रहे हैं, पेशेंट्स तक वो खाना कैसे पहुंच रहा है और क्या चीज़ें हो रही हैं। तो खैर, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हॉस्पिटल के फूड एंड किचन डिपार्टमेंट में लेकर गए जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड लोगों की एक्सेस है। यहाँ पे हमने देखा कि ये सारा प्रोसेस चलता कैसे है। जैसे कोई नया टीम मेंबर आता है तो उसे यहाँ से हम स्टार्ट देते हैं। अच्छा। कि उससे अपने एरिया में रहते हुए अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो उसे कैसे वैक्यूएट करना है। यहाँ पे सर्टिफिकेशन से भरी हुई एक वॉल है और साथ ही एक बोर्ड है जिसपे इस पूरे डिपार्टमेंट का प्लान है। जो स्टाफ है उन्हें मालूम हो कि वहाँ से इवैक्यूएशन प्लान, सो इवैक्यूएशन मैप यहाँ पे अवेलेबल होता है। अच्छा जी, अंदर आने के बाद सबसे पहले जिस चीज़ ने मुझे इम्प्रेस किया है वो ये जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। इस बोर्ड पे पूरा किचन मैप है, किचन का नहीं, इस पूरा एरिया का मैप है। उसमें इवन मैप के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि मेन किचन किस तरफ है और डिश वॉशिंग एरिया किस तरफ है, टॉयलेट किस तरफ है, फूड स्टोर किस तरफ है। आइए जी, ये जी इस तरफ किचन एरिया सारा। अपने स्टार्ट से लेते हैं, जहाँ से जैसे ही हमारे पास रॉ मटेरियल आता है तो हम उस एरिया पे जाते हैं, रिसीविंग एरिया पे, ताकि तमाम प्रोसेस से चलते हुए फिर हम प्रोडक्शन एरिया में आते हैं। कि ये जो सर्विसेज यहाँ की हैं वो हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं उनकी सेफ्टी, उनकी फूड क्वालिटी और उनकी वो जो प्रोडक्शन में जितनी भी चीज़ें हैं उसको कैसे इंश्योर करें कि वो सेफ है। तो हम चलते हैं रिसीविंग एरिया पे और वहाँ से फिर हम स्टेप बाय स्टेप एरियाज में आते हैं। आइए प्लीज। ये रिसीविंग एरिया, तो ये रिसीविंग एरिया में जो हमारी टीम है किचन की, शेफ हैं या फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, क्वालिटी चेक करके अगर वो एक्सेप्ट होता है तो उसे बास्केट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप ये देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स की बास्केट्स हैं, कलर कोडेड बास्केट्स हैं। सो येलो फॉर फ्रूट्स, ग्रीन फॉर वेजिटेबल्स और वाइट में हमारा चला जाता है चिकन, मीट, पोल्ट्री। वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं होगा जब तक वो डिसइंफेक्ट ना हो जाए। तो ये तमाम जो रॉ मटेरियल है उसे डिसइंफेक्ट किया जाता है। अच्छा, अभी मैं हूँ रिसीविंग एरिया में और रिसीविंग एरिया के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो इस रूम के अंदर आती हैं। और एक तरह से आप समझो कि ये इन सब चीज़ों की लैब है। यहाँ पे आके वो प्रॉपरली वॉश होंगी, उसके बाद उनके वो जो भी वो प्रोसेस बता रहे हैं वो पूरे प्रोसेस से वो चीज़ गुजरती है। और इस रूम के अंदर किसी को आना यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वही आ सकता है जिसका यहाँ पे कोई काम है। ये रिसीविंग एरिया, इससे हम निकलेंगे और जाएंगे इस तरफ। तो यहाँ से तमाम चीज़ इधर आ जाएगी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है डिसइंफेक्ट हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, डायरेक्ट वॉक इन चिलर में चले जाएंगे। और यहाँ पे सब कुछ आने के बाद यहाँ पे वेजिटेबल कटर है, उसके अलावा मीट मिंसर है, उसके अलावा यहाँ पे सारी वो चीज़ें पड़ी हैं जिससे आपका मीट, वेजिटेबल, फ्रूट जो भी है वो अगले प्रोसेस से इस रूम के अंदर गुजरता है। और यहाँ पे एक है वॉक इन रेफ्रिजरेटर, अभी हम लोग जाएंगे वॉक इन रेफ्रिजरेटर के अंदर। अच्छा जी, हमने जाना है वॉक इन रेफ्रिजरेटर के अंदर। और क्या टेम्परेचर होगा अंदर इससे? अंदर जी इस वक्त 2 डिग्री है प्लस 2, और जो फ्रीजर है वो -18 होगा। प्लस 2, और इसी के अंदर एक और डोर है फ्रीजर का, उसके अंदर -18 है, तो जैकेट पहन के जाना पड़ेगा। अच्छा भाई, रेफ्रिजरेटर के अंदर आके ये सारी यहाँ पे आपको ग्रीन बास्केट्स और येलो बास्केट्स, ये सारी वही बास्केट्स नज़र आ रही हैं जो पीछे मैंने आपको दिखाई हैं। इनके अंदर पूरे प्रोसेस के अंदर से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट सब चीज़ें गुजर के आ चुकी हैं। अब यहाँ पे सारा ये वेजिटेबल पड़ा हुआ है,
उसके अलावा इस तरफ जो है वो इसी तरह की चीज़ें पड़ी हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है सारा मीट रखा हुआ है, मीट के अलावा नीचे भी सारी बास्केट जो है वो मीट की, सैलेड बना हुआ है, इस तरह जो मैरिनेशन वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं। और हर चीज़ के ऊपर एक इतनी सी चिट लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये चीज़ आप इतने दिन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ 4 डेज़ में यूज़ होगी तो उस पर मेंशन है कि ये 4 डेज़ में यूज़ होनी चाहिए और ये इसकी एक्सपायरी डेट है। उस डेट के बाद उस चीज़ को यूज़ नहीं किया जाता अगर वो ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो चीज़ उतने दिन में यूज़ हो जाती है। लेकिन इतना मतलब मैं हैरान हूँ कि इतना हाइजीन लेवल और हर चीज़ को प्रॉपरली जो है वो रैप करके और इस तरह सेट करके रखा हुआ है कि एक सही जो आप सोचते हो ना कि एक प्रोसेस में से चीज़ गुजर रही है, वो वाला सीन है। अभी खैर यहाँ से सीधा हम जाएंगे फ्रीज़र के अंदर, बहुत ठंडा भाई यहाँ पे। चलिए जी, अब हम जा रहे हैं जी -18 में और कोल्डर। ओह वो एक मूवी मैंने देखी थी, उसमें वो ना एक लड़की इस तरह के फ्रीज़र में फंस गई थी 3 दिन के लिए। अल्लाह माफ़ करे, 10 मिनट खड़ा होना मुश्किल है यहाँ पे। हाँ ये जी हमारा फ्रीज़र, जो भी हम चीज़ें लॉन्ग टर्म स्टॉक करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उसे स्टोर किया जाता है, तो वो यहाँ पे -18 और कोल्डर समटाइम ये 22 -22 पे भी इसका टेम्परेचर होता है। अभी इस वक्त दोनों यूनिट्स बंद हैं, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर पूरा हुआ, ये डिफ्रॉस्टिंग मोड में है। डिशेज़ देख रहे हैं, तमाम चीज़ें, ये जो मीट है, ये जो हमारा पोल्ट्री जो भी चीज़ वो SS के कंटेनर या प्लास्टिक जो फूड ग्रेड हैं उनमें हमने रखा, ये खुद ही चल गया। ये देखिए जो बात की कि तो वो उसमें मूवी में फंस गया, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसके लिए ये इमरजेंसी बजर है, ठीक है। तो हमने अगर कोई भी ऐसा यहाँ पे तमाम स्टाफ की ट्रेनिंग है कोई हो तो वो इसको अब ये बजर यहाँ के अलावा किचन में भी बजा है। सो इस टाइम पे अगर बजर बज रहा है तो स्टाफ को मालूम है कि दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है थैंक यू, ऑल गुड। वो इसलिए वो उनकी ट्रेनिंग है ताकि फौरी तौर पे चेक कर लें पहुंच। सही। सो या तो मॉल फंक्शनिंग है हमारे चिलर्स की यूनिट्स की, या फिर यहाँ कोई इमरजेंसी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं? ये आई थिंक मीट है, ये इस वक्त मीट है, इधर देखेंगे ये चिकन है, ठीक है, नीचे बटर आपको नजर आ रहा है, बटर मटर चीज है लॉन्ग टर्म के लिए, ये चिकन है, ठीक है, सारा चिकन में है। अच्छा, चिकन सारा पैक्ड आता है कंपनीज से? जी कंपनी से, ठीक है, मतलब ओपन चिकन नहीं लेते आप लोग? ओपन नहीं जी, पैक्ड आता है, ठीक है, और उस पे इनकी पैकिंग हमारी होती है 5 kg से बड़ी पैकिंग ना, ठीक है। और ये आइसक्रीम्स पड़ी हुई हैं? जी आइसक्रीम्स हैं। अच्छा, तो मतलब आइसक्रीम्स भी यहाँ पे पेशेंट्स को दी जाती है? बिल्कुल, आइसक्रीम भी पेशेंट के पास। इसका कोई स्पेशल डे होता है या कभी? नहीं, जो भी पेशेंट की जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, कभी भी बच्चे को किसी को जरूरत है उस। अच्छा, मतलब जिसका जो दिल कर रहा है उसको मिलेगा, वो सारा मिलेगा। मेन चीज शौकखाना में जो पेशेंट है वो बाहर से फूड उनका अलाउड नहीं है, अंदर से जो मर्जी लो, हर चीज जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ इंटरनल जो डिपार्टमेंट है किचन वहाँ से प्रोवाइड की जाती है। जबरदस्त। तो उनकी अगर किसी को यखनी की ज़रूरत है उसे यखनी मिलेगी, किसी को सूप है तो सूप। अभी चलते हैं, मैं वो भी बताता हूँ कि मल्टीपल डाइट्स हैं उसमें, ब्लेंडेड है, उसमें सॉफ्ट डाइट है, उसमें लिक्विड डाइट है, उसमें स्पेशल डाइट्स आ जाती हैं। ये अब हम जा रहे हैं किचन एरिया में। किचन एरिया के लिए मैं सही एक्साइटेड हूँ कि किस तरह से यहाँ पे खाने बन रहे हैं। प्रोसेस तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि खाना बन कैसे रहा है। ये जी यहाँ बन रहे हैं जिंगर, ओए पूरी मेयोनीज लगी हुई है और उसके अलावा एक पूरा जिंगर पैटी, और ये फुल स्पीड के अंदर जो है ना यहाँ पे कितने बर्गर्स बन रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, कितने होंगे ये? 130 बर्गर्स हैं। ज़बरदस्त, ये चेक करो, ये पूरा इसमें बर्गर प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। अच्छा भाई, किचन में अब इतना कोई हैवी और मैसिव किस्म का यहाँ पे सीन चल रहा है कि यहाँ खिचड़ी भी है, ब्राउन राइस है, वाइट राइस है, जिंगर बर्गर्स हैं, उसके अलावा ग्रिल्ड सैंडविचेज हैं ब्राउन ब्रेड में या सिंपल ब्रेड में, उसके अलावा नान चने हैं, बहुत चीज़ें हैं। किचन के अंदर बहुत हैवी सीन चल रहा है। अभी सारा मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट है तो पेशेंट को भी मिलेगी, अदरवाइज़ ये चीज़ें कैफेटेरिया में भी जाती हैं। ये जो जाने के लिए, ये जाने के लिए रेडी होगी, हमने इसको स्टोर किया और इधर से फिर ये कैफेटेरिया में मूव की। ओके जी, इसके अंदर बर्गर्स हैं, शॉर्माज हैं, फिर नीचे बर्गर्स हैं, ये ग्रिल सैंडविचेस हैं ब्राउन ब्रेड में और सिंपल ब्रेड में, इसके ऊपर सारी डेट मेंशन है कि ये कितनी देर में यूज़ होगा। फिर इसके अलावा ये यहाँ पे पास्ता रेडी हुआ है और पास्ता भी काफ़ी सारी प्लेट्स हैं, फिर उसके अलावा आगे सैंडविचेस हैं, फिर सैंडविचेस हैं। अच्छा भाई, सैंडविचेस के बाद ये यहाँ पे एक ट्रे है बड़े ही लजीज़ किस्म के ग्रिल्ड चिकन की, और इसमें ये सारा
जिस तरह कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं या किसी को फ्राइड नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये सारा ग्रिल्ड चिकन है। और खुशबुएं मुझे ऐसे चढ़ रही हैं ना इस पूरे किचन में। अच्छा जी, इस तरफ जो हमारे पास ये सारी सब्जी इसके अंदर है, ये क्या है जी? मिक्स वेजिटेबल है। पेशेंट के लिए अभी तो रेडी हो रहा है। अच्छा, ये सारा रेडी है पेशेंट के लिए? पेशेंट के लिए ये यहाँ पे निहारी है और बीफ निहारी रेडी हुई है, ये सारा पेशेंट्स के लिए। इस तरफ ये क्या चीज़ है जी? अचारी कोरमा, चिकन अचारी कोरमा, ये यहाँ पे है चिकन अचारी कोरमा। अच्छा भाई, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर पेशेंट की रिक्वायरमेंट है सारी। पेशेंट खाना क्या चाहता है, किसी को डॉक्टर ने लिक्विड डाइट पे रिकमेंड किया हुआ है और कोई सॉलिड भी खा सकता है, तो पेशेंट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका बेड नंबर आएगा, नाम आएगा और पेशेंट क्या चीज़ खाना चाहता है, खिचड़ी है या सैंडविच है या निहारी है या चने हैं, वो जो भी पेशेंट है उसको जिस तरह से भी डॉक्टर ने जो भी कहा हुआ है उस हिसाब से उसकी डाइट होगी, तो वो यहाँ पे खुद चूज़ कर सकता है कि मुझे क्या चीज़ खानी है या मेरा क्या दिल कर रहा है। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई है ये सारा सुन के कि अगर बच्चे को, मतलब यार एक बच्चा अगर पेशेंट है और उसको कुछ चाहिए तो वो उसे मिलेगा। अगर वो जिंगर खाना चाहता है, सैंडविच खाना चाहता है, पेस्ट्री खाना चाहता है, आइसक्रीम खाना चाहता है, वो उसको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन शर्त यही है कि वो चीज़ यहीं बनेगी। उसे जो खाना है वो मिलेगा लेकिन बनेगा यहीं पे। अगर उसकी सालगिरह है तो यहाँ पे सालगिरह भी मनाई जाती है बच्चों की, लेकिन वो केक भी यहीं से बनता है। तो ये जी यहाँ पे पेस्ट्रीज हैं, और कौन सी पेस्ट्री है ये? वनीला क्रंच पेस्ट्री। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि जो बच्चों के साथ या पेशेंट के साथ अटेंडेंट है, उसको उनको आप किस तरह से इंटरटेन करते हैं? बच्चों के साथ जो अटेंडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स हैं, हम पहली पॉलिसी है कि वन पेशेंट वन अटेंडेंट। सो जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट है उसका भी मील, चाहे ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी है, वो उसे उसके बेड तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, अब ये इस तरफ जो है वो प्रॉपर यहाँ पे ग्रिल है, तवा है, उसके अलावा वहाँ चीज़ें फ्राई हो रही हैं, इस तरफ ये रोटी बन रही है, और ये पड़े हैं जी ब्राउन राइस, और ये पड़े हुए हैं वाइट राइस, जिसको जो चीज़ चाहिए होगी उसके लिए। और यहाँ पे ये बर्गर्स जो मैंने आपको दिखाए थे वो रेडी हो चुके हैं, और कुछ बर्गर्स अभी आगे रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे किचन बैक एरिया भी है, और वहाँ पे क्या चीज़ें बन रही हैं? ये पाकिस्तानी सेक्शन जो बल्क एरिया है, बल्क कुकिंग जो होती है, ओके, जो हमारे सालन बिरयानी चावल है, वो चीज़ें क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सही, उसका उनके स्टोव्स फ़र्क होंगे, उनके पैन्स फ़र्क तरह के होंगे। अब आया असल माहौल, पाकिस्तानी किचन, जिसके अंदर कढ़ाई पड़े हुए हैं इतने बड़े बड़े। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये कितने केजी का एक देज का है? ये 60 केजी का। 60 केजी, और क्या क्या इन चीज़ों इनमें बन, क्या क्या रहा है मुझे दिखाएं आप। ये क्या है? मसाला बिरयानी जी, चिकन बिरयानी। अच्छा, क्या बात है यार, क्या बिरयानी की खुशबुएं उठ रही हैं। और अभी ये इसके राइस हैं, ये हमारे वाइट चने, यहाँ चने बन रहे हैं। और ये क्या चीज़ है जी? अच्छा, पेशेंट का कोरमा ही। क्या बात है यार, मतलब चीज़ों की खुशबुएं जो हैं वो ऐसे उड़ रही हैं कि वो बिरयानी, मेरा दिल कर रहा है इसके अंदर से निकाल के थोड़ी सी अभी खा लूं, लेकिन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। गलत क्या है, पाकिस्तानी किचन ही, पाकिस्तानी किचन की तरह करता नहीं। मैं तो मतलब मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है इतनी सफाई देख के, लेकिन बहुत बहुत असल जो ख्याल रखा है वो हाइजीन का है, हर चीज़ सुपर डुपर क्लीन। ये बिरयानी की ट्रेस यहाँ, ओह ये तो सिंधी बिरयानी लग रही है यार, बिरयानी की क्या इन्होंने शक्ल निकाली हुई है। ये बिरयानी के मास्टर शेफ आप हैं? अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छी बिरयानी लग रही है। ये यहाँ पे एक रैक है, और इस रैक के अंदर की पे है जी, इस रैक के अंदर केक्स पड़े हुए हैं, केक स्लाइसेस पड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये कोई हलवा है शायद, ये कोई हलवा, ब्राउनी है जी। अच्छा, ये ब्राउनी है, ठीक है, ब्राउनी अभी कट नहीं हुई है, मुझे लगा हलवा है। तो यहाँ पे सारे ये केक्स पड़े। ये क्या चीज़ है? अचारी कोरमा। अचारी कोरमा, वो सामने मुझे नज़र आ रहा है जी तंदूर, इसी किचन के अंदर, बहुत ही जाइंट किचन है, किचन में ही तंदूर है। और ये क्या चीज़ है यार, इसको मैं देख रहा था। अच्छा, ये जो चिकन स्टीम हो रहा है, धड़ाधड़ रोटियाँ लगती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? बहुत रफली, एक दिन में कितनी रोटी लग जाती है अंदाज़ा? 3,000 रोटी एक दिन की। जिंगर जिस तरह बना रहे हैं ना, ये तो मुझे लग रहा है जिस तरह बर्गर फैक्ट्री है। चिकन बोटी है, चिकन लाइक होती है।
अच्छा ये है स्टोर, स्टोर में इस तरफ सारी ब्रेड्स हैं, पीछे जो एलर्जन प्रोडक्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जिस तरह ये आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इन सारों में मसाले, सॉल्ट, पेपर्स, ये वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। नीचे सारा यहाँ पे मिल्क है, और इसके अलावा ये वाला जो शेल्फ है इसके अंदर सोया सॉस, सॉसेस, पास्ताज, बेकिंग पाउडर्स, आइसिंग शुगर, इस तरह की चीज़ें सारी यहाँ पे। अच्छा रोटी यहाँ पे दो तरीके से बनती है, एक रोटी जो मैंने आपको तंदूर वाली दिखाई है, दूसरी बन रही है चपाती। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको अलाउड नहीं होता कि आपने सख्त रोटी खानी है, तो उनको होता है कि नरम रोटी खानी है। तो नरम रोटी यहाँ पे चपाती बन रही है जो कि तवे पे जाती है, और फिर आग पे जिस तरह घर की रोटी बनती है ये वाली रोटी उस तरह से बन रही है। ये यहाँ बन रहा है जी गोल्डन फ्राइड चिकन, जो मैंने आपको स्टीम होता हुआ चिकन दिखाया था वो अब यहाँ पे आया है। एक गोल्डन सॉस है जिसके अंदर उसको मैरिनेट किया गया और उसके बाद ये फ्राई हुआ है। ओए होए 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 होए, पूरा फ्राइड गोल्डन चिकन। ट्रॉली रेडी हुई है IPD 2A की, वो वहाँ पे है बच्चे, बच्चों का वार्ड है, तो ये उसकी ट्रॉली रेडी होगी उनके मील की, जब हम वहाँ पे उधर पहुँचाएँगे और वहाँ से फिर बच्चों को सर्विस होगी। ओके ओके ओके। हर पेशेंट का मील उनकी ट्रे में अलग लगा हुआ रेडी है, रेडी स्टाफ इसके मूव करेगा, ये इसकी फाइल साथ है, उस पर टाइम नोट किया जाएगा कि ये कितने बजे ट्रॉली पहुँची है, और जब रिसीव की जो IPD स्टाफ ने तो उसका टेम्परेचर क्या था। अभी एक फूड ट्रॉली रेडी होके जो है वो जा रही है पेशेंट्स की तरफ, और सेकंड फ्लोर पे लेफ्ट से, लेकिन हम लोग जा रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। मैंने कहा ये देखना ज़रूरी है कि पेशेंट्स को खाना किस तरह से पहुंच रहा है और क्या अंदर वहाँ पे निज़ाम है। अच्छा भाई ये ऊपर हम लोग आए हैं देखने के बच्चों को फूड सर्व किस तरह होगा। ये आपको दीवारें नज़र आ रही हैं जिस तरह पूरा माहौल दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये जितने भी आपको लाइन में नज़र आ रहे हैं ये वार्ड्स नहीं है, ये रूम है, और एक रूम में दो बेड होते हैं। अब यहाँ पे सीन ये है कि एक बेड पे हो सकता है कि वो बच्चा हो जिसका पेड ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब लाखों रुपया लगा हुआ है, और साथ वाली बेड पे एक ऐसा बच्चा हो सकता है जो बिल्कुल फ्री जिसका इलाज हो रहा है। तो किसी को यहाँ पे नहीं पता कि किसने कितना पे किया हुआ है, और कि कौन जो है वो किसका फ्री इलाज हो रहा है, किसका पेड इलाज हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। साथ वाले बेड को भी नहीं पता, डॉक्टर्स को भी नहीं पता, मतलब किसी को नहीं पता कि किसका फ्री इलाज है और किसका पैसों से इलाज हो रहा है। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आपकी डाइट है रेगुलर और आपका लंच आगे है, ये भी आपने कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? कहाँ से हो आप? अफगानिस्तान से। आज क्या खाना है आपने? क्या फ्रूट खाना है? अच्छा फ्रूट पसंद है आपको? और ये नहीं खाने आपने राइस और रोटी? ये अभी नहीं खाना। अच्छा ये बाद में खाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। हसीब क्या हाल है? ठीक हो? ये तो बलून लगाए हुए हैं, आपकी सालगिरह थी? ये वैसे पसंद है आपको? पसंद है आपको बलून? अच्छा अच्छा। तो अभी क्या कर रहे थे आप? फोन पे कार्टून्स देख रहे थे? अच्छा अच्छा। और ठीक हो? क्या खाना है आज? खाना अंडे, खीरा, सीप,
अच्छा जबरदस्त लाइन जी, लाइन खाना लाइन लंच है आपका। ये देखो आपके लिए केला भी है, सेब भी है, राइस भी है। सही है, आ जाओ उठो उठो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल कहाँ से हो? कराची। कराची से। आप मैंने यूट्यूब पे देखा, आप देखा हुआ मुझे? अच्छा, देखते हो वीडियो? हाँ राणा, कैसी लगती हैं वीडियोस? अच्छी लगती हैं। अच्छा टाइम गुजरता है वीडियोस देख के? अच्छा चलो यार, दुआ करते हो फिर? जी चलो, आपके लिए भी बहुत दुआएं, अल्लाह ताला सेहत दे आपको। दोबारा मुझे बताना किस तरह की वीडियोस पसंद है, फिर वो बनाएंगे। कैसी, कौन सी वाली देखते हो? खाने वाली ज़्यादा देखते हो या ट्रैवल वाली देखते हो? दोनों देखते हो। थैंक यू सो मच यार, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ये हैं जी बिलाल, और बिलाल सब्सक्राइबर है मेरे, मुझे भी अंदर आके पता लगा। चलो आप खाना शाना खाओ, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है, अच्छा जी टूर कंप्लीट हो गया, किचन टूर, और उसके बाद हम पेशेंट्स के पास गए। वहाँ पे उन्हें जिस तरह से खाना दिया जाता है और जैसे अंदर पेशेंट्स होते हैं उन्हें जैसे ट्रीट किया जाता है, सारा प्रोसेस मैंने देखा। और ऑनेस्टली यार, वो एक पेशेंट बीच में मेरे सब्सक्राइबर थे, तो वो मुझे इतनी खुशी हुई उस चीज़ की कि यार ये चीज़ देखो, एक बंदा कैंसर के बेड पर जिस तरह लेट के अगर मेरी वीडियो देख रहा है, तो मुझे आज कसम से प्राउड फील हुआ। बड़ी खुशी हुई कि उसका अच्छा टाइम गुजर जाता है वीडियो देख के। अगर वो थोड़ा टेंशन में है या कुछ इस तरह की चीज़ें सोच रहा है, तो उसको एक वो रिलैक्स हो जाता है थोड़ा सा। मैंने पहले कभी ये निज़ाम अंदर से देखा नहीं हुआ था कि किस तरह से ये सब कुछ होता है, तो मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ। हाइजीन लेवल और जिस तरह से चीज़ें बन रही हैं, जैसे सर्व हो रही हैं, जैसे निज़ाम चल रहा है, बहुत अच्छा अच्छा है। अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम कराची ब्रांच जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं इन लोगों के लिए जो अंदर बेड्स पे हैं, जो पेशेंट्स हैं। आप यकीन करो, जिस टाइम मैं अंदर बेड पे उनके पास गया हूँ, वो फीलिंग शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो किस तरह से मुझे उस टाइम क्या फ़ील हुआ। मैं ज़्यादा लोगों के पास जा ही नहीं पाया, सिर्फ 3 के पास गया, उससे आगे मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे, जो भी लोग इस चीज़ से कैंसर से लड़ रहे हैं दुनिया में, अल्लाह सबको सेहत दे, और बहुत मुश्किल है। खैर ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करें। भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफिज़।